हमारा YouTube चैनल नेचर ब्यूटी हैपन 23 में बबीता स्पेशल कुकिंग ब्लॉग्स में आज मैं गाजर की हलवा की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट और हर घर में ये बनती है, पर ये ठंडी में और ज़्यादा इसकी डिमांड हो जाती है, जो मैं बहुत आसान तरीका से और बहुत ही स्वादिष्ट बताने वाली हूँ। आज मैं आपको गाजर की हलवा इस प्रकार से बता रही हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए कसा हुआ गाजर ले 2 केजी, इसे लाल गाजर ही लिए हैं हम, आप भी वैसे ही लाल ही लें। इसे आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। 1/2 केजी चीनी लें, 2 केजी में मैंने 1/2 केजी चीनी लिया, दूध 1 केजी फुल मिल्क जिसे मैंने गाढ़ा करके इसे ठंडी कर ली, घी ले 100 ग्राम और ये ड्राई फ्रूट्स ले, किशमिश, इलायची, गड़ी इसे छोटे छोटे काट ले, काजू और भी आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, नारियल पाउडर थोड़ी सी। अब एक कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें मैं घी डालूंगी सबसे पहले, थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी। अब इसे थोड़ा मेल्ट होने दें। अब इसमें मैं कद्दूकस किए हुए सारे गाजर ऐड कर दूंगी इस तरह से, फिर थोड़ा फ्राई करूंगी। अब इसे थोड़ा सा मैं इसे मिला लूंगी, फ्राई कर लूंगी इस तरह से, अच्छी तरह से मिला ले। फिर इसे मैं थोड़ा ढक दूंगी, 10 मिनट के लिए ढक दीजिए। फिर इसे देखिए इस तरह से थोड़ा सा ये गल गया है, इसे मैं और ढकूंगी अभी। फिर इसमें दूध ऐड कर लूंगी ताकि ये थोड़ा सा और पक जाए दूध में। इसे दूध को मैंने गाढ़ा कर लिया है ताकि इसका टेस्ट रवा खोवा जैसा हो जाए, ये खोवे से अच्छा इसका स्वाद आएगा, इसलिए मैंने घर में ही दूध को खोवे की तरह गाढ़ा कर ली थी पहले ही। अब इसे और पकने दे, हमारा हलवा कम से कम 1 घंटा ज़रूर पकना चाहिए। फिर मैं इसे लास्ट में चीनी ऐड करूंगी। अब चीनी में ये 10-15 मिनट फिर पकेंगे इस तरह से, देखिए। फिर इलायची आप तोड़ के डाल ले या फिर उसे थोड़ी बारीक कूट के डाल ले, मैं इसे ऐसे ही तोड़ के खोल के डाल रही हूँ। उस पर फिर ड्राई फ्रूट ऐड करें, फिर नारियल कटी हुई डालें, काजू ऐड करें, किशमिश ऐड करें। अब इसे मिला लें, नारियल पाउडर डालें 2 चम्मच। अब इसे थोड़ी पकने दें, इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। अब इसे थोड़ा गार्निश कर लें नारियल पाउडर से, ड्राई फ्रूट से। ये हलवा इतना सुंदर, इतना टेस्टी, स्वादिष्ट बनता है गाजर का कि आपको मिठाई भी इसके सामने कम लगेगा। ये देखिए है ना लाजवाब, दिखने में और खाने में भी। अगर आपको हमारा गाजर का हलवा का रेसिपी पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।